सबसे बड़ा पहला मेरा नाम कहीं कभी आप देखते हैं चैनल के तुम मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आए जा रही है फैमिली पूरी ट्रिप पे और यहाँ पे अभी कार में, तो यहाँ पे हो गए हैं एकदम रेडी। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये है उर्वी, हाय बोलो। और यहाँ पे अभी पहले धूप नहीं आई थी तो अभी आई है धूप। और ये और यहाँ पे आ गए पापा। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे दादी के घर में, दादी के दादी को लेंगे और अम्मा को भी लेंगे। आज हम जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सब रेडी हो गए, हाय बोलो सभी लोग, हाय हाय। तो यहाँ पे अब आ गए और ये हमारे शिवा, ये रोड क्रॉस करते हैं फर्स्ट। गाय आ रही है, भागो। ये देखो ये गाय, बाप रे, करके आ रही है ये गाय, ये गाय ऐसे होती है जो दिखे ना। अरे हमारे शिवा, आए बोलो, आए बोलो, और हमारे गगन भैया, उसको मार दी गाय, वो उनकी कारी वाली गाय तोड़ के उड़ा, उसके पीछे ही पड़ गई थी। और चलते हैं जरा अंदर, झूली मूली ये हमारी अम्मा तैयार हुई है इस आज सुंदर से गेटअप में। टिटिनल कि मैं बैठूंगी, तो बैठ ही गई मेरे साथ यहाँ पे, कार्तिक बैठा है क्योंकि जगह हमें करनी पड़ी। क्या बोलूँ, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा है, खाएं तो ये देखो, ये मतलब आराम से बैठो और पीछे का नज़ारा देखो, आगे बैठोगे पीछे देखो, यहाँ पे एक फोटू और यहाँ पे हमारा स्नैक्स का आइटम है, इसमें ओरियो चिप्स है सब है और रस भी है, इसमें चाय वाय है। ये कार्तिक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी धूप भी आ गई, हमने सोचा कि धूप नहीं आएगी, अजीब सा लगेगा, पर धूप आ गई, धूप आ गई ना, हाँ धूप आ गई, देखा बाहर। अब अच्छे से बैठ जा फ्रेंड्स, ये देखो पूरा अभी हम डिक्की में हैं और कितना ऑसम लग रहा है, सभी लोग हमें हाय बाय बोलते जा रहे हैं। कहाँ दो किलर और इतना बढ़िया लग रहा है, जब आप वहाँ जाएंगे और दूर से ही पहुँचने ही वाले हैं, ओ कितना मजा आ रहा है। मतलब पापा बोल रहे थे पुरानी चीज़ें, मुझे पुरानी चीज़ों को देखना है, तभी मैं आई है भूलिए। इतना गाइस देखो, सामने आपके सामने है ये भूल भुलैया। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं भूल भुलैया, अब चलो चलते हैं हम लोग, चलते आओ। चलते आ जाओ, आ बच्चों, चलो चले। तो अब हम आ चुके हैं, इसके अंदर जाएंगे। ये कौन सा है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा इमाम बाड़ा है ये। अभी इस पे भी ले चलेंगे, ठीक है? मुझे ऊंट में बैठना बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऊपर, उस ऊपर साइड जाओ वहाँ पर गन्ना खच 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 खच। अभी तो अंदर चलेंगे, बनवाते थे रात में तुड़वाते थे ताकि काम लोगों को रेगुलरली मिल सके। ये 11 साल में सब बन के तैयार हुआ है और ये हमारे लखनऊ का सिंबल, लैंडमार्क, पहचान है, आकार में दिखाई देता है, देखिए है सर।
नवाब आसिफ उद्दौला पान बहुत खाते थे, उसमें वो लौंग भी खाते थे, वो देखिए ऊपर लौंग का डिजाइन दिया है। अच्छा हाँ, इसी गेट का फोटो जब क्लिक करके उल्टा करके देखेंगे नीचे का ऊपर, तो दो चीजें पहनने वाली बनती हैं, एक तो बनता है नेकलेस का डिजाइन जिससे इंस्पायर होकर नौ लखा हार बनाया गया था जो आज तक फेमस है, और एक बनता है लखनवी चिकन कुर्ते पे जो डिजाइन होता है। वो देखिए मैडम, लखनऊ चिकन कुर्ते पे जो डिजाइन होता है उसको बोलते हैं क्लॉक टावर। ये 1881 ईस्वी में 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था, उनके एक लेफ्टिनेंट थे उनका नाम था हॉसफोर्ड, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। ये भारत का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 2 क्लॉक टावर है जिसकी हाइट 220 फीट है, 220 फीट। और सबसे ऊपर जो चिड़िया देख रहे हैं ये हवा का डायरेक्शन बताती है सर, इधर हवा चलती है उधर घूमती है आज भी। अच्छा घूमती है जी सर। इसमें पहले घंटे बजते थे क्योंकि जब ये नया नया बना तो लोगों को घड़ी देखना नहीं आती थी, तो इसमें घंटे का उपयोग कर दिया गया था। एक बजता एक घंटा, दो बजते दो घंटे, सर घंटे बजते थे, इसका नाम पड़ गया था घंटाघर। धीरे धीरे लोगों को घड़ी देखना आ गई, घंटा गायब हो चुका है, घंटा घर रह गया सर। घर रह गया है घंटा गायब हो गया, तो इनका भी आ गया। इसके अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ ना, इसके बारे में बता रहा हूँ, ये यहाँ का पिक्चर गैलरी है। इसके अंदर 50 रुपए एक आदमी का टिकट होता है, ठीक है। इसमें 300 साल पुरानी तस्वीरें लगी हैं, जितने भी नवाब थे ना उन सब के फोटोज लगे हैं इसके अंदर। अच्छा, अगर इसको देखना है तो आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, हम भी जाते हैं। कनिष्का पिक्चर गैलरी, सादत अली खान, मुझे तो एक ही चीज का कुछ लगा और वही वाली ना पिक्चर पहले जो है। ये नवाब नसरुद्दीन हैदर, गाजीउद्दीन हैदर। असली पेंटिंग वही वाली, हाथ पकड़ते हैं ना। शाही तलाब, ये 1836 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, सेकंड किंग ऑफ यूपी थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। पहले के ज़माने में इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, इसको बना दिया था, लोग नहाते धोते थे, स्विमिंग वगैरह होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, चारों तरफ पब्लिक बैठ कर देखा करती थी। उर्दू में इसको तमाशगाह भी कहते हैं। पीछे गोमती नदी बहती है, उससे इसमें डायरेक्टली पानी आता था, फिर फिल्टर हो जाता था, लेकिन जब 1970 की बाढ़ आई है बीच में बांध बांध दिया गया, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये जो पानी है ये बरसाती गंदा पानी है। बरसात का पानी है, और नीचे मछली भी है थोड़ी थोड़ी। मछली कहाँ है? वो नीचे देखो, ये है ये घंटा घर, ऊपर आगे वहां से देखा था लोगों ने। हाँ वो देखो ऊपर चिड़िया है वो टॉप पे, वहाँ जा सकते हैं अंदर? नहीं वहाँ पे मैकेनिक जाते हैं। वो देखो ऊपर बैठे थे, हमारी फैमिली बैठी ऊपर, चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। लेज़
भी है कोई हिस्टोरिकल, ये इमाम बाड़े का इधर पे आगे का है। अब हम भूल भुलैया पापा, आप चलेंगे मेन भूल भुलैया में, चल रहे हैं तुम इंट्रेंस से मेन भूल भुलैया। मुझे लग रहा है भूल भूल भुलैया में मैं ऐसा लगता है ना पूरी भाषा छोटी है उसके अंदर से। नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, चलें आओ रोड आराम से क्रॉस करना सब लोग। पूरी गार्डनिंग गार्डनिंग और वहाँ पे भीड़ भाई हुई है, ये देखो भीड़ भाई हुई है। ये बड़ा नाम पड़ा नवाब आसिफुद्दौला, इन्होंने बनाया है ये। कल्लू कैसा लग रहा है आपको बताइए, ये देखो इधर है क्या, यहीं तो है अंदर भूल भुलैया, ये देखो इमाम बाड़ा, इसी को कहते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, और यहीं है अंदर भूल भुलैया, वहाँ चलेंगे हम लोग। यही बैठा करते थे वो और यहीं से देखते थे वो, रानियां बैठे करते थे नहीं कि छोटे छोटे इसी तरह का है। इस पे खड़ी होगी तू? नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बताएं वेंटिलेशन के लिए है, ये देखो ये नीचे के वेंटिलेशन के लिए, मतलब नीचे वाली जो बिल्डिंग है उसकी उसके लिए। ये ऊपर से दिखा रहा था जो वो ये है। अब वहां चलो